इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे कुछ ना बोल पाऊँ तो भाई मैं पहले कह रहा हूँ, इस मूवी में ब्लैक एडम के लिए स्पॉइलर्स नहीं है, आप आराम से ये वीडियो एंड तक देख सकते हो। तो यार फाइनली इतने सालों के वेट के बाद फाइनली ड्वेन जॉनसन की अपनी ब्लैक एडम थिएटर्स में आ चुकी है। तो आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूँ क्रिश, और आज हम फाइनली रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक एडम मूवी का। और भाई सच में ये मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट 2 घंटे थे भाई। एक तो 10 दिन से मेरा गला वैसे ही खराब था, प्लस आज मैं जो चिल्लाया हूँ तो भाई मेरा गला वैसे ही बैठ चुका है, और आज मैंने पूरे 2 घंटे इतनी क्लैपिंग करी है कि भाई मेरे हाथ दुख रहे हैं इस समय। लेकिन भाई फिर भी अंदर तक जोश भरा हुआ है कि ये मैंने क्या देख लिया भाई। जॉन कॉलेट सेरा जिनकी लास्ट मूवी थी जंगल क्रूज, भाई कौन बोलेगा कि ये मूवी उन्हीं की है। भाई इस मूवी का मेन हीरो, मेन विलन, सपोर्टिंग एक्टर, मेन कहानी, सब कुछ ड्वेन द रॉक जॉनसन ही है। स्टार्ट टू एंड पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ रॉक छाया हुआ है। भाई सच में मूवी के पहले एक्साइटमेंट लेवल था 100, लेकिन भाई मूवी के बाद में ये पहुंच चुका है 10,000 पे। खैर अगर हम बात करें कहानी की तो भाई कहानी वही है जो मैंने यहाँ बताई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मैं कहानी बता देता हूँ। तो जो मैंने पहले कहा था कि टेथ एडम नाम का बंदा खानदाग में एक रिवोल्ट करता है उनके खिलाफ जो खानदाग के लोगों से गुलामी करवाते हैं, कहानी बिल्कुल वही है। बस यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे एडम का बेटा रिवोल्ट करवाता है और सारी पावर्स मिलती हैं एडम के बेटे को, लेकिन वो अपने पिता के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और वो अपनी पावर्स को अपने पिता को दे देता है और वो बन जाता है द ब्लैक एडम। और अब बस आज के जमाने में खानदाग थोड़ा बहुत मॉडर्न हो रखा है, लेकिन वहाँ पे राज होता है इंटर गैंग का जो वहां के लोगों को खूब तंग करते हैं। और अब क्या हमारा ब्लैक एडम इंटर गैंग को मार के खानदाग को फ्री कर पाएगा, ये जानने के लिए जरूर देखिए द ब्लैक एडम। मैं अपनी बात करूं तो भाई बेस्ट बेस्ट और बेस्ट ये मेरी देखी हुई अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी है। अब हाँ भाई लोग बोलेंगे कि पूरी मूवी में सिर्फ रॉक था, तो भाई ये बात सबको पता होती है, अगर रॉक की कोई मूवी आ रही है तो भाई जान लो पहले से कि पूरी मूवी में हर एक सीन में हर एक सेकंड में आपको रॉक ही दिखेगा। रॉक की मूवी में उसके सामने चाहे जो भी हो, लेकिन भाई मेन एक्टर हमेशा रॉक ही रहेगा। अब भाई देखो इस मूवी में सर पियर्स ब्रोसनैन है, लेकिन फिर भी रॉक ने उनको हरा दिया है। रॉक ने पूरी मूवी में उन्हें ओवरटेक कर रखा था। सही में भाई जहाँ पे रॉक की एंट्री हुई थी वो सीन ओपी था भाई, सब लोग चिल्ला रहे थे, सीटी मार रहे थे, ताली बजा रहे थे। यार पूरी मूवी में रॉक को देखकर लगता है कि भाई ब्लैक एडम के रोल के लिए इसके अलावा और कोई बना ही नहीं है। मैं आज ये बात बोल रहा हूँ साफ साफ कि भगवान ने ब्लैक एडम के लिए बनाया है सिर्फ और सिर्फ ड्वेन जॉनसन को। भाई जिस तरह से रॉक भैया ने ये वाला पोस्ट दिया है मूवी में, भाई वो सीन बहुत कैड़ा था, मैं आपका नहीं जानता, लेकिन भाई ये मूवी मैं कभी नहीं भूलने वाला। भाई सही में मैं और वो सब लोग जिन्होंने आज ब्लैक एडम देखी है, भाई हम बहुत लक्की हैं, क्योंकि भाई आप और मैं डीसी और मार्वल इन सब से बहुत दूर हैं। हम सब फैंस हैं सुपर हीरोज के, हम डीसी में मार्वल में भेदभाव नहीं करते, हमको मेन मतलब है सुपर हीरो से। और भाई जहाँ पे ब्लैक एडम हो वहाँ तो मजे आने ही आने हैं भाई, पूरा थिएटर भरा हुआ था भाई। सही में मैंने देखा आज कि एक भाई साहब हैंडीकैप थे, लेकिन फिर भी वो ब्लैक एडम देखने आए थे। भाई ये क्रेज है सुपर हीरो मूवीज का। बात करें एक्शन की तो भाई पूछो मत, पूरी मूवी में स्टोरी कम है और एक्शन ज्यादा है। आप ये मान लो कि भाई हर 5 मिनट के अंदर एक फाइट तो आती ही आती है, लेकिन हमें वो फाइट फोर्स फील होती नहीं है, हम उस फाइट को एंजॉय कर पाते हैं। और जितनी भी फाइट थी उनका मेन मोटिव बस एक था, उनको मेन ये दिखाना था कि पूरे प्लेनेट पे ब्लैक एडम इससे तगड़ा बंदा है ही नहीं कोई। और सच में हमको ये वाली बात पूरी मूवी में फील होती है, ब्लैक एडम से तगड़ा बंदा है ही नहीं कोई। और अगर आपके मन में उस बंदे का नाम आ रहा है तो भाई टिकट बुक करो और जाकर देख के आओ ब्लैक एडम, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। भाई वो चाहे जो भी हो, लेकिन ब्लैक एडम ब्लैक एडम है, ब्लैक एडम टॉप है। भाई मुझे बस ये बोलना है कि ड्वेन जॉनसन थैंक यू सो मच, आपने हमको ब्लैक एडम दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैंने ये भी सुना है कि इंडो पाक वाले दिन सुबह 7 बजे रॉक भाई आएंगे स्टार स्पोर्ट्स पे। यार ये बंदा अपनी मूवी के लिए अपने फैंस के लिए कहीं भी आ जाएगा और हम देख रहे हैं ये सब। भाई सच में मार्वल में स्पाइडरमैन नो वे होम और डीसी में ब्लैक एडम, भाई ये 2 फिल्में वो फिल्में हैं
जिन्होंने फैन सर्विस पूरी करी है। भाई सुपर हीरो मूवीज, इनके नाम पे फैंस जो कुछ मांगते हैं इस मूवी में सब कुछ है। भाई एक्शन, ब्रुटैलिटी, हमको वही चाहिए और वो चीज इस मूवी में भर भर के है। इन शॉर्ट मैं बस ये बोलूंगा कि भाई बहुत हार्ड, तबीयत टाइट कर दी। भाई हम सब जानते हैं कि इस मूवी का मेन विलन सबैक है और भाई एंड में सबैक और ब्लैक एडम की फाइट पगड़ी थी। बाकी अब जरा बात करते हैं जेएसए की। तो हाँ भाई, जेएसए भी कमाल थी पूरी मूवी में। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई जो कुछ है डॉक्टर फेड है, तो भाई नहीं, आप सही ट्रैक पे नहीं हो। भाई मैं तैयार था डॉक्टर फेड के लिए, लेकिन भाई हॉकमैन ये बंदा तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भाई सच में एल्डिस हॉज जो बना है हॉकमैन, उनकी एक्टिंग कमाल थी पूरी मूवी में। ब्लैक एडम के सामने जब जब वो आते हैं, उन दोनों की फाइट देखने में अलग ही मजा आता है। लेकिन हाँ, सर पियर्स ब्रोसनैन, उनकी तो भाई एक्टिंग कमाल होती ही है। भाई इस उम्र में उनकी पर्सनैलिटी कितनी गजब लग रही है, मुझे वो पूरी मूवी में बहुत पसंद आए। बाकी हाँ भाई, नॉर्थ सेंटेनियो, उनका भी काम बढ़िया था। उनका मूवी के अंदर मेन काम है हमको हंसाना और उस काम में वो सफल रहते हैं। बाकी भाई क्विंटेसा, तो यार मैं बस ये बोलूंगा कि अब से हरा रंग मेरा फेवरेट है। भाई वो पूरी मूवी में मुझे बड़ी पसंद आई, उनकी एक्टिंग, उनका जो किरदार था साइक्लोन वाला, वो सब मुझको बढ़िया लगा। बाकी हाँ, सारा शाही और जो उनका बेटा बना है, इन दोनों की भी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। और भाई इसके अलावा हम देखते हैं शुरू से कि ब्लैक एडम का सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन, इन सब पे क्या टेक है। भाई ये ऐसा बंदा है जो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं मानता। इसके सामने हॉकमैन आता है तो कहता है कि तुम जानते हो मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। भाई बाकी हीरोज फाइट के सेकंड भर पहले सोचते हैं, लेकिन भाई ये तो कुछ सोचता ही नहीं है, सीधा घूसा मारता है। लेकिन हाँ, तारीफ तो बहुत हुई। अगर हम बात करें कमियों की, तो भाई स्टोरी जो कुछ भी थी वो बस स्टार्टिंग के 10 मिनट में थी, बाकी बाद में कोई स्टोरी है ही नहीं। जो मूवी का फर्स्ट हाफ है उसका मेन मोटिव है जेएसए प्लस ब्लैक एडम, बस। बाकी भाई पूरी मूवी देख के जो हम समझ पाते हैं वो ये है कि इंटर गैंग ने एडियाना का बेटा किडनैप कर लिया है और अब ब्लैक एडम को उसको वापस लेकर आना है, बात खत्म। तो हाँ भाई, कहानी में कुछ नया नहीं था और कहानी एक्सपेरिमेंटल भी नहीं थी। और अगर हम बात करें किरदारों की, तो भाई ब्लैक एडम के अलावा और कोई भी किरदार डेवलप हुआ ही नहीं है। जो मैंने पहले बोला, इस मूवी में जो कुछ है सिर्फ रॉक है और ब्लैक एडम है। जो फोकस है वो सिर्फ ब्लैक एडम पे है। जो बाकी किरदार हैं वो बढ़िया हैं, देखने में अच्छे हैं, लेकिन भाई उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे ये मूवी लैग करती है। और हाँ भाई, माना कि पूरी मूवी रॉक की है, लेकिन भाई फिर भी बाकी सबका डेवलपमेंट भी जरूरी है। पर खैर कोई नहीं, इन बातों के होते हुए भी ये मूवी हमें सेकंड भर के लिए भी निराश करती ही नहीं है। भाई देखो, मैं जो हैप्पी हूँ इतना, उसकी मेन वजह है कि मुझको एक मूवी में जो चाहिए होता है, इस मूवी में वो सब कुछ था। एक बेहतरीन सा एंटी हीरो, उसकी बैक स्टोरी, उसके सामने तीन चार बड़े बड़े हीरोज, एंड प्लस उसके सामने एक बड़ा सा विलन जिसको वो मार दे और फिर अपनी गद्दी पे आराम से बैठे। और इस मूवी में ये सब कुछ था। और हाँ, इसका BGM भाई खतरनाक BGM था। भाई एक दो फाइट में BGM बजता है वो काउबॉय वाला, और वो सुनने में बेहतरीन लगता है। और इस मूवी में 4-5 सीन्स हैं स्लो मोशन के, और भाई वो खतरनाक हैं। अगर आपने एक्समैन देखी है तो आप समझ जाओगे कि वो सीन कैसे थे, और सच में वो सारे सीन्स बढ़िया थे। और अब आता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। भाई वो सीन तो खतरनाक से भी 2-3 लेवल ऊपर था। मेरा अभी तक का देखा हुआ वो बेस्ट था। भाई देखो, झूठ में बोलूंगा नहीं, लेकिन आप सब भी जानते हो कि एंड में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आप सब दिखा रहे हो कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन पता होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं बस ये बोलूंगा कि भाई रॉक के लिए, ब्लैक एडम के लिए, DC के लिए, एक्शन के लिए, इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए, प्लीज ये मूवी देख कर आओ। भाई ट्रस्ट मी, ये मूवी देखने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपने ये मूवी मिस कर दी, उसके बाद में आप रिग्रेट करोगे। मतलब भाई जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन था ना, वो गजब ही था। जो होना था वो सोच रखा था, लेकिन ऐसे होगा भाई वो नहीं पता था। और हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ये मूवी देखोगे और देखने देखना, तो भाई मूवी देखने के पहले घर पे गर्म पानी के ना गरारे कर लेना, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि पूरी मूवी में आप सिर्फ चिल्लाने वाले हो। मतलब भाई इतनी बेहतरीन फाइट्स, इतने बेहतरीन एक्शन सीन्स, इतने बढ़िया VFX, CG, भाई मजा आ गया। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो भाई सॉरी, लेकिन सच में
मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूँ भाई। जिस मूवी का 7-8 साल वेट करा है भाई, वो इतनी बेहतरीन मूवी होगी सोचा नहीं था। और भाई सही में मेरे सामने बार बार इसका पोस्ट क्रेडिट सीन आ रहा है भाई, वो सीन तो कोई भी कभी भूल ही नहीं पाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, प्लीज प्लीज जाकर ये मूवी देखो और बड़े से बड़े पर्दे पे देखना। स्टोरी कहीं कहीं पे लैग करेगी, लेकिन भाई रॉक एक्शन और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, उनके चक्कर में आप सब कुछ भूल जाओगे। और हाँ भाई, एक मेन बात तो रह गई, ये मूवी देखी है मैंने हिंदी में और सच में इसकी डबिंग कमाल थी। आपको बिलीव होगा ही नहीं कि ये वर्जन हिंदी डब्ड है। तो प्लीज अगर टिकट बुक नहीं करी है तो भाई अभी करो और प्लीज जाकर देख कर आओ। थिएटर्स लगभग हाउसफुल हैं। तो भाई आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब टाइम निकले भाई तब देख कर आना, लेकिन प्लीज देख कर आना। और अगर देख ली है तो कैसी लगी बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम जहाँ मन करे वहाँ फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।